फोन मत करो सर यूज। ये ना अगली दुर्घटना की शिकार हम ही हो जाए। तो अभी इस वक्त मैं बाइक पर हूँ, आप सभी देख सकते हैं, और हम जा रहे हैं नालागढ़ बद्दी। तो आजकल जो है जॉब की लाइफ चली हुई है, तो मेरी जो पोस्टिंग है बद्दी से हो गई है नालागढ़। तो डेली आना जाना काफ़ी पड़ते और काफ़ी रिस्की है बाइक में आना जाना करने में। यहाँ पर जो सड़क की कंडीशन है बहुत ख़राब है। और क्या है कि बद्दी टू नालागढ़ जो सड़क है, यहाँ पर अभी हाईवे का काम लगा हुआ, तो एक साइड न्यू सड़क बन रही है और एक साइड जो है इसका ट्रैफिक बड़ा है काफ़ी ज़्यादा। ये देख सकते हैं साथ में वन वे बनने जा रहा है, और जब तक ये वन वे बन नहीं जाता तब तक यहाँ पर जो काफ़ी धूल मिट्टी और ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। और मैं बता दूँ और नालागढ़ और बद्दी की जो दूरी है लगभग 18 किलोमीटर है, और डेली जो है मुझे आने जाने में लगभग 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। हाँ ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है पहुँचने में, क्योंकि हमारा जो ऑफिस है वो नालागढ़ से भी थोड़ा सा आगे है। और हाँ, अगर किसी को जॉब की ज़रूरत हो फ्रेशर बंदे, तो वो भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनकी कंपनियों में लगभग अभी जो है ऑलमोस्ट 100-200 वैकेंसियाँ खाली हैं। तो जिन्हें भी जो भी प्लस टू पास हैं आईटीआई या जिन्हें भी जॉब की ज़रूरत हो, तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और देख सकते हैं लाइनों के साथ कितना ट्रैफिक है, धूल मिट्टी है, काफ़ी संघर्ष भरा जीवन। अभी हमारे साथ जो बाइक चला रहे हैं ये भी काफ़ी कॉन्टैक्ट ड्राइवर है। तो देख सकते हैं सड़क के लेफ्ट साइड का जो ये व्यू है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो नालागढ़ है ये ज़िला सोलन हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और देख सकते हैं हमसे आगे ऊना डिपो की बस भी चली। अभी जो है इस सड़क में हमारे सामने ही दो जो हादसे हो गए, दो एक्सीडेंट हो गए, एक ट्रक का और एक कार वाले ने पीछे रुकी हुई कार को ठोक दिया। तो ऐसे ट्रैफिक भरे माहौल में दुर्घटना होने के काफ़ी चांस रहते हैं। इससे बचने के लिए जो है अपने जो भी सड़कों के नियमों का पालन करें अच्छे से ज़रूरी रहता है। फोन मत करो सर यूज। ये ना अगली दुर्घटना की शिकार हम ही हो जाए। ये बहुत ही गलत बात होती है बाइक चलाते जाएँ मोबाइल का यूज़ करना, बिल्कुल ही सेफ्टी बरतता हूँ, बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करता। अगर फ़ोन यूज़ करना तो साइड पे गाड़ी रख के मैं कर लेता बात। अगर तो आज की हमारी यात्रा थी बद्दी टू नालागढ़, और अभी हम रास्ते में पहुँचे हैं। तो टाइम हो गया ड्रीम इलेवन पर टीम बनाने का, और साथ में लगी है भूख, इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं।